हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए, हमने शुगर फ्री गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं आप सबके लिए। जो डायबिटिक लोग हैं वो भी इस विंटर ये जो ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने उसे गुड़ के साथ में भी एक अलग से बनाया हुआ है, तो ये बहुत गज़ब का होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुगर फ्री गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। यहाँ हमने देखिए ऐसे 1/4 कप का मेज़रमेंट लिया है और सभी ड्राई फ्रूट्स हमने उसी मेज़रमेंट के हिसाब से दिया। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ चिरौंजी लिया हमने 1/4 कप, वॉलनट ले लिया है, आलमंड है, कैशियो नट है, आप कट करके भी ले सकते हैं और उसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने साबुती भी लिया हुआ है और यहाँ पे हमने रेजिन ले लिया है, ये भी 1/4 कप है। खसखस हमने 2 टेबल स्पून लिया है, इसे पोस्तो दाना भी कहते हैं। खसखस अगर आपके पास है तो लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सारे सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड है इसमें, सनफ्लावर सीड है, मास्क मेलन सीड है एंड साथ में चिया सीड्स भी हैं और फ्लॉक्स सीड्स जो आते हैं वो हमने लिया हुआ है, जैसे अलसी कहते हैं। सभी कुछ हर्ब आजकल मिक्स भी मिल जाते हैं तो मैंने मिक्स वाला ही ले लिया था, तो वो है उसमें। और यहाँ पे हमने ले लिया है पेंट खजूर, यहाँ हमने 40 पेंट खजूर लिया है जिसको हमने डी सीड कर लिया है, यानी सीड उसके हमने अलग कर लिए हैं। हमारे जो टोटल ड्राई फ्रूट 3 कप होते हैं तो 1.5 कप हमें पिंड खजूर लगेंगे। 1/4 कप किसा हुआ नारियल, ये हमने फ्रेशली इसको ग्रेट किया हुआ है वो हमने ले लिया है। और लगेगी गोंद, ये भी हमने 1/4 कप लिया है कि उससे कम लगती है, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून काफ़ी होता है। तो अभी ये मोटी है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, चाहे आप इमाम दस्ते में डाल के कर लें या थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के एक दो बार चर्न कर लें। यहाँ 2 कप मखाने लिए हैं। तो ये ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, तो 3/4 कप हमने यहाँ पर घी भी लिया है। तो विंटर के लिए हम लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ड्राई जिंजर है, इसे सोंठ भी कहते हैं, इसे हम इमाम दस्ते में कूट के इसका पाउडर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने पैन रख दिया है गैस पर और 2 टीस्पून हमने इसमें घी ऐड किया है और साथ में ही हम आलमंड एंड कैशियो नट को पहले हम फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो मीडियम ही रखें ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे आराम से फ्राई हों, तो हल्का सा कलर आ जाए बस, और उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ फिर हम साथ ही साथ इसमें हमने वॉलनट को फ्राई करने के लिए डाल दिया है और उसी के साथ हमने पिस्टैचो जो है वो भी हमने साथ में ही ऐड कर दिया है। तो पिस्टैचो थोड़ा पहले हो गया तो हम पिस्टैचो को निकाल ले रहे हैं और वॉलनट को थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। यहाँ रेजिन को भी हम फ्राई कर ले रहे हैं, थोड़ा घी था हमारे पैन में, हम उसी में इसको फ्राई कर ले रहे हैं। ये फटाफट से फ्राई हो जाती है, बड़ी अच्छे से फूल जाती है ये, और इसको हम निकाल लेंगे। घी अगर कम लग रहा है तो आप घी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा हम घी और ऐड करेंगे क्योंकि घी हमारा पैन में अब ख़त्म हो गया है, तो जो हमारी चिरौंजी है उसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। क्या होता है ना कि जो बड़े साइज़ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम अलग ही फ्राई करें, बिकॉज ये छोटे वाले बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बड़े वाले होते नहीं, इसलिए हम अलग अलग करके इसको फ्राई कर रहे हैं, और इसी तरीके से करना चाहिए। तो ये भी हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। बाकी जो सीड्स हैं उन्हें भी डाल के फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखना है, लो पे आप फ्राई करें, बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, एकदम क्रंच सा आ जाता है ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें, और सीड्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम
पफ हो जाते, पफी पफी हो जाते, फूल से जाते हैं। और देखिए देखिए इस तरीके से, और साथ ही में अब खसखस ऐड कर देंगे, ये भी फटाफट से फ्राई हो जाती है। बस थोड़ा सा एक मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, और इसमें ही हम जो कोकोनट हमने ग्रेट करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो सभी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और हमने अब घी ऐड कर दिया है। इसमें हम फ्राई करेंगे मखाने। तो 2 से 3 मिनट में मखाने भी फ्राई हो जाते हैं। तो जब तक मखाने फ्राई हो रहे हैं, तब तक आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो एकदम फ्री होता है। गैस का फ्लेम हमें लो पे ही रखना है, और देखिए 2 से 2.5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट भी हो जाते हैं। इसे निकाल कर हम एक प्लेट में रख देंगे, और उसी पैन में हमने 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल दिया है, और इसको देखिए ये गोंद को हमने क्रश कर लिया है इस तरीके से, और इसे हम फ्राई करेंगे। तो घी में हम थोड़ा थोड़ा डालकर गोंद को फ्राई कर लेंगे, उसको इस तरीके से चलाते रहें, और बस ये पप अप हो जाए और इसको हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो पे ही रखें, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाती है, बर्न हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, 3 से 4 टेबल स्पून ही जो गोंद है उसे हमने फ्राई किया है। तो इसी तरीके से सारी गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। क्रश करने के बाद में 4 टेबल स्पून हमने फ्राई किया है। ओके, तो इसे हम प्लेट में निकाल कर एक साइड रख देंगे। तो आगे हमने क्या किया कि मखानों को ग्राइंडर जार में डाल के पाउडर तैयार कर लिया उसका। तो आप पाउडर बिल्कुल ना बनाएं, आप ऐसा करें कि एक बर्तन में मखानों को रख लें और किसी भी कटोरी से बाउल से उसको थोड़ा क्रश कर लें और उसी को यूज़ करें, क्योंकि पाउडर बनने के बाद में लड्डू बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और लुक में भी उतना अच्छे नहीं दिखते हैं जो लड्डू हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मैंने ये थोड़ी गलती कर दी थी इसमें। कैशनट आलमंड एंड वॉलनट को हमने ग्राइंडर जार में डाल के मोटा मोटा सा क्रश कर लिया, 2 से 3 बार चर्न कर लिया, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स हैं उन्हें हमने वैसे ही रख लिया है। पिन खजूर को भी हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है इस तरीके से। तो उसी पैन में हमने 2 टीस्पून घी ऐड किया है, और इसमें हम जो हमने पिन खजूर कट करके रखा है उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उससे क्या होगा, पिन खजूर थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी तो हमें लड्डू बनाने के लिए आसानी होगी। इसे 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, और लो मीडियम हीट पे हमने गैस का फ्लेम रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो पिन खजूर है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं हमारी पिन खजूर, और बस इस तरीके से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, और इसमें जो हमने देखिए जो कैशनट वगैरह को हमने कोर्सली ग्राइंड किया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, और बाकी के भी जितने हमारे सीड्स और हमने फ्राई करके रखा था वो सभी भी इसमें हमने ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हमने बचाया हुआ है जिसे हम गुड़ के साथ लड्डू बनाना आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने जो मखाने का पाउडर करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है। आप इसे इस तरीके से पाउडर बिल्कुल ना करें, आप इसे क्रश करके ही डालें,
और हमने रेज़न भी ऐड कर दिया है, तो सभी कुछ इसी में ऐड कर देना है। और जो ड्राइड जिंजर रखा हुआ था उसका भी हमने पाउडर कर लिया इस तरीके से इमाम दस्ते में डाल के, और उसका भी 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें बहुत पसंद नहीं है इसलिए हमने नहीं डाला है, लेकिन विंटर के टाइम में अच्छा रहता है, डालना चाहिए। तो यहाँ गोंद भी हमने ऐड कर दिया है, और उसे इस तरीके से हाथों से थोड़ा क्रश कर लें और इस तरीके से लड्डू बना लें। देखिए कितने आराम से लड्डू बन रहे हैं। तो बस इसी तरीके से लड्डू बना के रख लें, चाहे तो आप इसका इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके लड्डू बंद नहीं रहे अच्छे से तो आप थोड़ा सा हनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये शुगर फ्री है, इसमें हमने शुगर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जो भी मीठा है वो सिर्फ़ पेट खजूर का है। इसी तरह से सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। अगर आप लड्डू बनाना नहीं चाहते हैं तो जो ये मिक्सचर है उसे ही किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें और बाउल में निकाल कर इंजॉय करें। तो देखिए हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ हम गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। यहाँ 1 टीस्पून हमने घी लिया है, उसमें 1/4 कप हम गुड़ ऐड करेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था तो उसमें से हमने 1 कप जो ड्राई फ्रूट्स है बचा के रख लिया था, ताकि हम आपको गुड़ के लड्डू भी बता सकें। तो इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट करना है, गुड़ को फटाफट से मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उसे इस तरीके से चलाते रहें प्रेस करके, ताकि ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने, और इसमें जितने ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखा था वो ऐड कर दिया है। अब फटाफट से मिक्स कर लें और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। और इसमें गोंद भी ऐड कर दिया है, और इसे अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का गर्म है ये, ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा हमने ठंडा कर लिया था, और फटाफट से लड्डू हम बना लेंगे। आप जिस भी साइज़ के लड्डू चाहते हैं उस तरीके से बना लें। देखिए जितना हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार किया था, टोटल हमारे 24 लड्डू बनकर इसमें रेडी हुए हैं। तो वो वाले हमारे 16 लड्डू बनके रेडी हुए, और ये हुए हमारे 9, तो टोटल 24 बनकर रेडी हो जाते हैं जिस साइज़ के हमने बनाए हैं। तो लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।